आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आयुषी। हम आए हैं बरेली के नारायण कॉलेज में, जहां पे महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिलाओं के व्यवसाय को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहां पे लोग जितनी भी महिलाएं हैं सबको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के चलते आज हम बात करेंगे एक मैम से, जिनसे बात करके ये जानेंगे कि वो कैसे महिलाओं को व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारियाँ दे रही हैं और कैसे महिलाओं के को सपोर्ट कर रही हैं उनके साथ आगे बढ़ाने में। नमस्कार मैम, पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ हर्षिता देवयानी जी, एंड विमेन एम्पावरमेंट के लिए आई हैव अ आइकॉन क्रिएटर्स इंक्यूबेशन सेंटर। इट इज़ द फर्स्ट विमेन लेड विमेन सेंट्रिक इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश, विच इज़ अफिलिएटेड बाई द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। एंड थ्रू माई इंक्यूबेशन सेंटर वी एम to create an environment for women-led startups, particularly जिससे कि हम उनको आगे जाके एक हैंड होल्डिंग दें, उन्हें बता सकें कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज मैनी वेमेन डू नॉट नो। यही हमें एम्पावरमेंट देनी है इस तरीके से कि वेमेन को आज पता चले कि हम कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच वेमेन डोंट नो। अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। So through my incubation center, I am willing to bring women-led startups from various, you know, sectors, so that हम उनको आगे जाके उन्हें बढ़ाएं। Okay, अगर बात करें लोगों के माइंड में ये आने का कि हाँ ये स्टार्टअप है मुझे भी करना है, तो कितना आपको रिस्पांस मिल रहा है इस पूरे स्टार्टअप को लेकर, जो आपका पूरा लगातार व्यवसाय चल रहा है, कितना आपको रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। पीपल आर वेमेन पर्टिकुलरली दे आर एक्साइटेड, एंड हमारी पॉपुलेशन में 50% आर वेमेन, एंड वी सी की बहुत ज़्यादा, यू नो, देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, पर्टिकुलरली वेमेन। अगर उनको एक, यू नो, सहारा, एक हेल्प मिल जाएगी तो बहुत पोटेंशियल है, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। वी ऑलरेडी हैव 5 स्टार्टअप्स विच वी हैव रजिस्टर्ड, विच वी हैव गिवन फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड देर आर लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ दैट वेमेन हैव कम अप विद, एंड वी एम टू, यू नो, जस्ट Give them boost through our incubation center. अगर बात करें कि अगर A to Z इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि कैसे महिलाओं को शुरू करना है, अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्या उसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। या ये आजकल जैसे कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है तो लॉट ऑफ वेमेन, मतलब उनको लगता है कि कैसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, तो हम उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ से कैसे उनको रजिस्टर करोगे। थ्रू आर इंक्यूबेशन सेंटर हम अपने आपकी स्टार्टअप को हेल्प करेंगे कि आप क्या क्या प्रोसीजर्स से जाएं रजिस्टर करें। जब आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो जाएगा, सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, वी विल एलोकेट दैट हेल्प। हम एक मीडियम की तरह आपको, उन स्टार्टअप्स को हम एक मीडियम की तरह उनको हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि उनको वो हेल्प मिले, फाइनेंशियल हेल्प। देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स विच द गवर्नमेंट इज़ focusing right now, particularly Uttar Pradesh government and even the central government, there's a lot of focus on women empowerment, startups, they're giving lot of financial help, so we are a medium जिससे हम सारी वो help उनको दें और उसके बाद guide करें कि आप इधर जा सकते हो, इधर से investment ले सकते हो। तो वही process is just that हम एक उनके लिए, we are like a guardian for those startups. Okay, तो जिस तरह देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार भी महिलाओं के साथ है, और यहाँ पे बरेली में नारायण कॉलेज में एक मैम हैं जिन्होंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने का। और महिलाएं भी अगर देखा जाए तो जहाँ आज महिलाएं एरोप्लेन तक उड़ा रही हैं, तो वहीं महिलाओं को लगातार आगे प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।